महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने 2019 निवडणुकीचे भाकीत सांगणाऱ्या ज्योतिषाला 21 लाखांचं बक्षीस जाहीर केल्यानंतर त्यांचं हे आव्हान ज्योतिषाचार्य अतुल छाजेड यांनी स्वीकारलंय. ज्योतिषाचार्य अतुल छाजेड यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेमध्ये आनिसचं आव्हान स्वीकारलंय. त्यांनीही आता त्यांच्या अटींसह आणि सर्व कागदपत्रांसह समोर यावं, मीही समोर येण्यास तयार आहे. आता लफवाचफी फार झाली, आता तेही समोर आले नाही तर खरं काय ते मीडियाने समजावं, असं वक्तव्य आनिसने काही दिवसांपूर्वी 2019 निवडणुकीचे भाकीत सांगणाऱ्या ज्योतिषाला 21 लाखांचं बक्षीस घोषित केलं होतं, त्यावर ज्योतिषाचार्य अतुल छाजेड यांनी हे वक्तव्य केलंय. और इसका ही मैंने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को भी नोटिस भेजा हुआ है. ये नोटिस रंजन गोगोई जी को भेजा हुआ, इसमें उनको मैंने क्लियर कट बोला है कि अंतर्संधान समिति वाले हमेशा झूठ बोलते हैं. पहले उन्होंने बोला ज्योतिष झूठा है, अगर ज्योतिष साबित करके दिखाओ तो उसको हम 21 लाख रुपए देंगे. अभी बोल रहे इलेक्शन का वही बताएगा उसको 21 लाख रुपए देंगे. क्या तमाशा लगा के रखा है क्या अंतर्संधान समिति वालों ने? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. दूसरा चीज ये, उनका 21 लाख के लिए 21,000 का इनाम है, जो मैं क्लियर कट 21,000 रुपए का इनाम डिपॉजिट उनको भरने के लिए तैयार हूँ. वो हिम्मत एकदम मेरे सामने आए और उन्होंने बोला है कि 7 जो है उनकी कंडीशंस है. वो 7 कंडीशन क्या है ये मुझे अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि वो मीडिया में पब्लिश हुआ नहीं है. उससे मुझे एक कंडीशन उनकी पता थी कि 2014 में जब उनकी बात हुई थी तो 21 लाख रुपए के लिए 21,000 रुपए का इनाम है, इतनी मेरी कंडीशन मुझे पता थी. आगे को कोई पता नहीं है तो कंडीशन क्या है और क्या नहीं है वो बैठ के अंतर्निर्मल समिति वाले सामने बैठे, जहां पर एक जाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जहां पर 5-10 हजार लोग होंगे, वो आरएस वाले अरेंज करवाए, जहां पर पूरी मीडिया होगी, 5-10 हजार लोग होंगे उनके सामने, उनकी कंडीशंस क्या है, मेरी कंडीशंस क्या है, वो बैठ के डिसाइड होगा. और ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मैं अंतर्निर्मल समिति वालों को.